वक्त की बड़ी खबर नुहू मेवात जिले से प्राप्त हो रही है। हम आपको बता दें, एंटी नारकोटिक सेल MCIA तावड़ू को मिली बड़ी कामयाबी। अंतरराज्यीय 6 गांजा तस्कर 956 किलो 750 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार। बरामद गांजा की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए। पुलिस अधीक्षक नुहू श्री वरुण सिंगला के नेतृत्व में जिले को नशा मुक्त करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी एंटी नारकोटिक सेल व CIA तावड़ू निरीक्षक सुरेंद्र सिंधु के नेतृत्व में गठित टीम ने ट्रक में भरे चावलों के भूसा के नीचे 32 प्लास्टिक कट्टों में छुपाकर गांजा ले जा रहे 6 नशा तस्करों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 956 किलो 750 ग्राम गांजा को गाड़ी ट्रक सहित बरामद करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक नुहू श्री वरुण सिंगला ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि आज दिनांक 29 मार्च को गाड़ी ट्रक 12 टायरा में चावलों के भूसा के नीचे 32 प्लास्टिक कट्टों में छुपाकर मादक पदार्थ गांजा भरकर ले जा रहे थे। 6 नशा तस्करों को प्रभारी एंटी नारकोटिक सेल CIA तावड़ू निरीक्षक सुरेंद्र सिद्धू के नेतृत्व में गठित टीम ने नाकेबंदी करके 956 किलो 750 ग्राम गांजा मादक पदार्थ सहित काबू किया है। पुलिस ने आरोपियों को खिलाफ थाना सदर नुहू में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रभारी एंटी नारकोटिक सेल CIA तावड़ू निरीक्षक सुरेंद्र सिद्धू ने बताया कि आज दिनांक 29 मार्च को सहायक उप निरीक्षक राजेश के नेतृत्व में उनकी टीम गश्त पर फिरोजपुर झिरका नुहू रोड नजदीक नहर नाला आकेड़ा मौजूद थी। उसी समय गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि आदिल पुत्र उस्मान निवासी बोरा का, मुकीम पुत्र हनीफ निवासी शिकारपुर, मिजान पुत्र सम्मा निवासी रोपड़ा का, सुशांत बिश्नोई नारायण निवासी भेजीपुर जिला गंजाम उड़ीसा, अनु सुरेश पुत्र अनरंगा निवासी सालू जिला विजयनगर आंध्र प्रदेश व दीपक राय पुत्र चंद्रधारी निवासी इकोना जिला बक्सर बिहार, जो गाड़ी 12 टायरा ट्रक बिना नंबर जिनके अंदर चावलों का में भूसा भरा हुआ है, मैं सेलूर आंध्र प्रदेश से भूसा के अंदर गांजा छुपाकर आदिल व उसके साथी बेचने के लिए तावड़ू बोरा का लेकर जाएंगे। जिस सूचना पर टीम के द्वारा नहर नाला आकेड़ा के सामने नाकेबंदी करके उपरोक्त गाड़ी को 6 नशा तस्करों सहित काबू किया। काबू करके नाम पता पूछने पर ट्रक चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम आदिल, उपरोक्त व कंडक्टर साइड बैठे व्यक्ति ने अपना नाम मुकीम उपरोक्त तथा गाड़ी में बैठे अन्य व्यक्तियों ने अपना नाम मीजान सुशांत बिश्नोई अनु सुरेश व दीपक उपरोक्त बतलाया। गाड़ी ट्रक बिना नंबर की नियमानुसार तलाशी लेने पर उसमें चावलों के भूसे के नीचे छुपाकर रखे 32 प्लास्टिक कट्टों में कुल 956 किलो 750 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने गांजा के 32 कट्टे हुए गाड़ी ट्रक को अपने कब्जे में लेकर सदर थाना नुहू में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। उपरोक्त आरोपियों को आज माननीय अदालत के समक्ष पेश कर पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। रिमांड अवधि के दौरान नशा तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में नाम पता मालूम करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। श्री वरुण सिंगला पुलिस अधीक्षक नुहू ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है और नशा तस्करी का अवैध धंधा करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा तथा आम जन से भी अपील की है कि नशा तस्करों व किसी प्रकार के अपराध करने वालों की सूचना एंटी नारकोटिक सेल तावड़ू के मोबाइल नंबर 8930902297 पुलिस अधीक्षक नुहू के मोबाइल नंबर 8930902220 पर दें। सूचना देने वाले का नाम पता गुप्त रखा जाएगा। जी, दिनांक 29 मार्च 2022 को यानी कि आज सुबह के टाइम पे एंटी नारकोटिक सेल की टीम गश्त पर फिरोजपुर छिरका नुहू रोड नजदीक नहर नाला आकेड़ा मौजूद थी। उसी समय गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि आदिल पुत्र उस्मान, मुकीम पुत्र हनीफ, मिजान पुत्र सम्मा, सुशांत बिश्नोई निवासी उड़ीसा, अनु सुरेश पुत्र अनरंगा निवासी आंध्र प्रदेश व दीपक राय पुत्र चंद्रधारी निवासी बिहार, जो एक गाड़ी 12 टायरा ट्रक बिना नंबर के जिसके अंदर चावलों का भूसा भरा हुआ था, उसे सेलूर आंध्र प्रदेश से भूसा के अंदर गांजा छुपाकर आदिल व उसके साथी बेचने के लिए तावड़ू बोरा का लेकर आ रहे थे। ये सूचना पर टीम के द्वारा नहर नाला अकेड़ा के सामने नाकाबंदी करके गाड़ी को 6 तस्करों सहित काबू किया है। काबू करके नाम पता पूछने पर ट्रक चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम आदिल उपरोक्त व कंडक्टर साइड पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम मुखी उपरोक्त तथा गाड़ी में अन्य बैठे व्यक्तियों ने अपना नाम मीजान सुशांत अनु सुरेश व दीपक उपरोक्त बतलाया है।
गाड़ी ट्रक बिना नंबर की नियमानुसार तलाशी लेने पर उसमें चावलों के भूसों से नीचे छुपाकर रखे 32 प्लास्टिक कट्टों में कुल 956 किलो 750 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने गांजा के 32 कट्टों व गाड़ी ट्रक कब्जा पुलिस में लेकर थाना सदर नो में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा नंबर 171 दिनांक 29 मार्च 2022 धारा 20/61/85 NDPS एक्ट थाना सदर नो दर्ज करके आरोपियों को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है और उपरोक्त आरोपियों को आज माननीय न्यायालय में पेश करके पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। शुरुआती तौर पर ये आंध्र प्रदेश से माल लेकर आए हैं ऐसा सामने आया है, उसके बाद ये अन्य जो इनका नेटवर्क है उसका खुलासा करने के लिए इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और उसके बाद की हमारी सारी बातें हम निकाल पाएंगे इसमें जी। इसमें 6 आरोपियों में से 3 जो आरोपी हैं वो हमारे मेवात के रहने वाले हैं, जो मेन मुख्य आरोपी है वो भी मेवात का ही है और आगे ये किसको बेचने वाले थे ये अभी ड्यूरिंग पुलिस रिमांड ही